हमने लिफ्ट ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं लोडर पर। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला की अथाह इनायत शुक्र से आज का विलाग करते हैं शुरू। आप देख रहे हैं विलेज एजुकेशन पनियाला और ये आपको जो नज़र आ रही इमारत है ये गवर्नमेंट कॉलेज पनियाला की इमारत है। अल्हम्दुलिल्लाह यही इसकी बिल्डिंग है और थोड़ा सा व्यू आपको हम अंदर का दिखाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत मंजर है। माशाल्लाह आपको पता है जिसने भी देखिए शमसी प्लांट लगा हुआ है और क्या खूबसूरत मंजर है। माशाल्लाह इंशाल्लाह मौका मिला इजाज़त दी तो इंशाल्लाह फिर कभी अंदर का विलाग हम बना के आपको दिखाएंगे। सुन जो क्या कर रही हाँ अच्छा उस्ताद चप्पल चल रही चप्पल दे दी खुदा तो घसिया देने की जी। माशाल्लाह कितना सादापन है भोलापन है। माशाल्लाह के पास अब आपको ले जाते कीकर का दरख्त है। माशाल्लाह एक खूबसूरत मंजर ज़बरदस्त, इसका व्यू बड़ा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जैसे इसको सवारा गया हो दूर दूर तक आपको सब्जा ही सब्जा बेहतरीन माहौल मिलेगा। ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। दरख्त को हम पश्तो में मज़रिया बोलते हैं। उर्दू दान इस बारे में रहनुमाई कर सकते हैं इसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं या इसको उर्दू में क्या कहा जाएगा, मैं भी चेक कर लूँगा डिक्शनरीज वगैरह में। और इसकी हियत या इसको इसकी शक्ल कहेंगे कि बिल्कुल खजूर से मिलती जुलती है। इससे रस्सी बनाई जाती है चारपाइयों वाली, मोटी रस्सियाँ भी बनाई जाती है और भी बहुत सारे कामों में इसके जो पत्ते हैं इस्तेमाल हो सकते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि ज़रिया माश का ये बेहतरीन ज़रिया है। आसमान पे बादल छाए हुए और सूरज की आंख में चोली जा रही है, कभी बादलों से निकल आता है कभी छुप जाता है, खूबसूरत मंज़र है। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है। देखिए ये कयाम गाह के तौर पर ये जगह बनाई हुई है ताकि लोग यहाँ पर आए तो धूप से बचें। देखिए हम भी इसके नीचे स्टे कर लेते हैं। ये देखिए और हम इसके नीचे बैठ गए, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। हम भी थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं इसके नीचे। इन दरख्तों के साए बड़े बेहतरीन और घने होते हैं और जो सुकून इन दरख्तों के नीचे बैठ के मिलता है शायद इसी वाले कमरों में वो सुकून ना मिले। यकीन नहीं आ रहा, आजमा के देख लें। हमने लिफ्ट ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं लोडर पर। का मंजर आपके सामने, आगे का मंजर आपके सामने ज़बरदस्त हो रहा है, क्या खूबसूरत देखी जाए। माशाल्लाह
हमने लिफ्ट ले लिया, यूँ देखा जाएगा ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शहरों में लिफ्ट लेते हैं और वो करोला या कोई बेहतरीन गाड़ी, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी साबित होती है। मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, पीछे का मंजर भी आप देख रहे हैं, जबरदस्त हो रहा है। अल्लाह इनकी जान ने माल ने औलाद ने बरकत अता फरमाए, खूबसूरत बना दे माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं मेरे लिए बचाना पड़ा। अब मुझे कमेंट्स में बताया आपने किस किस ने ऐसे लोड में या किस चीज़ में वगैरह में सफ़र किया हुआ है। ये हमारा ड्राइवर है माशाल्लाह, जबरदस्त हो रहा है। आगे का मंजर दूर है, टेढ़े में रास्ते हुए हुए इलाके की खूबसूरती आप देखते हैं। लो जी हम शहर में दाखिल हो रहे हैं, बागात हैं, खूबसूरत मनाजर हैं, मज़े को भी मज़ा आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम। और शहर में दाखिल होते ही आपको जगह जगह पर इस तरह के आम बेचने वाले और खजूरें बेचने वाले मिलते हैं। चलिए इसके पास जाते हैं और आपको बताते हैं कि इसके यहाँ क्या क्या बेचा जा रहा है। और यहाँ पर एक कॉर्नर में यहाँ पे भी आम रखे हुए हैं, ये भी बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है बिल्कुल। इसे थोड़ा पूछते भी हैं क्या भाव चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आम है, ज़बरदस्त इनके ऑनर्स हैं। और क्या खूब इनका नज़ारा है देखिए, और साथ में खजूरें भी रखी हुई हैं। शायद ये मुझे बसरा है क्या कम भी मबई रहा, बहुत मीठी है। और ये क्या कम मबी पजरी चलें करिए तरन सवा पजरी 120 अच्छा सही लंगड़ा पर 170। आप इनकी बातें सुन ली, लंगड़ा है बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है, ये नप वगैरह का बनाया हुआ नहीं, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है। इसका रेट है 170, छौसा है ये 100 का, और ये मालदा 120 और दाल चरंगा पियन चरंगा जी किलो दा। अच्छा ज़बरदस्त कॉर्नर बिल्कुल शर्क खेल सुरूम के साथ ये बैठे हुए हैं, किसी को आम की ज़रूरत हो आके ले जा सकते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जी चाहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। घर जाके आपको बताते हैं कि आम कैसे थे, जल्दी से कमेंट्स कर ले और हम कहते हैं आम।